अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 2018 है, उसमें जो स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए अनेक सुविधाएं उसमें दी गई है। और कई बार ये होता है कि जो सरकार जो सुविधाएं दे रही हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। मैं समझता हूं कि इस बार की जो ये यात्रा आयोजित की गई है ये तमाम उन महाविद्यालयों में, उन तकनीकी संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में जा कर के और जो हमारे अनुभवी लोग हैं वो वहाँ पर जा कर के उसको छात्रों के साथ, जो तकनीशियन हैं उनके साथ में शेयर करेंगे। और यही नहीं, हमने उसको कहा इसका फॉलोअप भी होना चाहिए, तो उससे हमारे युवा जहाँ अवेयर होंगे और जो काम करना चाहते हैं उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, उनको सहयोग मिलेगा, तकनीकी सहयोग मिलेगा, आर्थिक सहयोग मिलेगा, सलाह मिलेगी। तो उससे हमारे जो हम चाहते हैं कि हमारे युवा अपने रोजगार खड़े करें, हमारे पास जो स्थानीय संसाधन हैं प्राकृतिक रूप से हैं चाहे हम मनुष्यकृत हैं, उन संसाधनों का वो सदुपयोग करके और न केवल अपने आप रोजगार करें बल्कि लोगों को रोजगार देने। जब राज्य के 20 साल पूरे हो गए यानी कि 2020 नवंबर तक 200 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य रखा है और अभी तक लगभग 60 स्टार्टअप हमारे राज्य में शुरू हुए हैं।